एक एक्टर के तौर पर इट्स अ वेरी वेरी चैलेंजिंग रोल. एक डबल रोल की तरह है माय कैरेक्टर इन दिस फिल्म. एक पहला भाग इज़ अ स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस जो बिल्कुल नॉट कॉन्फिडेंट, इनसिक्योर, अनकम्फर्टेबल विथ हरसेल्फ, एक बहुत ही क्लम्जी लड़की है. और एक्ट टू में जो कैरेक्टर मैं निभा रही हूँ बिल्कुल ही एलिगेंट एंड कॉन्फिडेंट और सेक्सी एंड यू नो सेंसुअल लड़की है. तो इन टर्म्स ऑफ कैरेक्टराइजेशन बहुत ही चैलेंजिंग है फॉर एन एक्टर. लेकिन आई एम नॉट गोना डू दैट अनलेस द स्क्रिप्ट इज़ रियली गुड. ये हाईवे 203 का स्क्रिप्ट आई थिंक इज़ द मोस्ट एक्साइटिंग थिंग अबाउट द फिल्म. पूरा टीम जो है नया है, यू नो, फ्रॉम शादाब टू विनीत एंड बशीर भाई. ऑफकोर्स इज़ यू नो respected and you know he's kind of the oldest person on the team, but the entire team jo hai, everyone's young, everyone's trying to kind of experiment and do a film that's, you know, alag sa kar karne ki koshish kar rahe hain. And it's a good script, so let's see how it turns out. Ji haan, actually main ek bilkul out of work actress hu jo पुलिस उसे पकड़ के बोलते हैं कि यू नो व्हाट, वी वांट यू टू परफॉर्म, यू लुक एग्जैक्टली लाइक दिस गर्ल हु हैज़ बीन मर्डर्ड. तो मैं जो निभा रही हूँ ये चांदनी का जो रोल है, शी इज़ बीन मर्डर्ड, शी इज़ अ वाइफ ऑफ दिस लेखक. और उन्होंने कहा है कि ही हैज़ अमनीजिया, उसे कुछ याद नहीं है. तो पुलिस मुझे भेजती है वहाँ पर टू काइंड ऑफ सॉल्व द मर्डर मिस्ट्री एंड सी इफ ही रियली डज हैव अमनीजिया. तो मैं वहाँ जाती हूँ एंड ये पूरा जो सेकेंड हाफ है फिल्म का, शी इज़ ही इज़ प्लेइंग हर विथ हर हेड. तो एक बार उसको डराता है, दूसरे बार उसे हंसाता है, उसके बाद सड्यूस करता है. तो ये बेचारी लड़की तो एज इट इज़ ऑकवर्ड है, बिल्कुल ही बेकार एक्ट्रेस है. और वहाँ पर जाके चांदनी बनने की कोशिश कर रही है, लेकिन शी डजंट नो व्हाट्स हैपनिंग बिकॉज केके का जो रोल है, ही इज़ टेकिंग अप द राइड ऑफ हिज लाइफ. तो अभी ये सीन के 5 मिनट पहले उसको डराया था, उसे रुलाया था, और अभी उसका हाथ पकड़ के ही इज़ काइंड ऑफ सड्यूसिंग हर एंड शी जस्ट डजंट नो लाइक व्हाट टू डू और हाउ टू रिएक्ट टू हिम एंड शी फॉल्स इनटू दैट होल सेडक्शन ट्रैप एंड ही स्नैप्स आउट ऑफ इट. तो द सेकेंड हाफ इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्योंकि पूरा जो ऊपर यू नो दैट होल क्लाइंब अप एंड डाउन सो दैट वॉज वन ऑफ द हाई पॉइंट्स ऑफ द फिल्म. सक्सेसफुल, जी हाँ, थैंक गॉड फॉर दैट. हाँ, यस, बिकॉज मैं अपना जो करियर है स्ट्रेटिजिकली प्लान नहीं करती हूँ. अपने दिल से आई काइंड ऑफ चूज फिल्म्स. और एक होता है ना कि फिल्म के जगस पार्क के बाद मैंने मॉर्निंग रागा किया था. डू वांट मी टू टेक दैट अगेन? डू वांट मी टू टेक दैट अगेन? ओके, दैट्स वी नीड टू गो अवे विद द फोन. हाँ, जॉगस पार्क के बाद मैंने मॉर्निंग रागा किया था. देन देयर इज देव की जो पब्लिक 6 महीने पहले रिलीज़ होने वाली थी, बट इज़ नॉट रिलीज दिस येट. उसके बाद मैं लंदन जाके आई डन एग्जिट्स विद मैल्कम मैकडाउल, एक छोटी सी ब्रिटिश फिल्म है, वहाँ पे मैंने किया. तो मैं फिल्में करती रहती हूँ, आई एम वर्किंग, बट ये जो रिलीज़ होता है, क्योंकि छोटे फिल्मों को रिलीज़ करना बहुत मुश्किल बात है एंड इट्स नॉट ईजी द काइंड ऑफ फिल्म्स आई डू टू गेट डिस्ट्रीब्यूटर्स instantly. तो मैं काम तो करती रहती हूँ, बट जस्ट रिलीज इज़ जस्ट नॉट वेरी वेल प्लान्ड, पर इट्स नॉट इन माई हैंड्स. मैं मुझे सिर्फ अच्छे रोल्स करने हैं, अच्छे फिल्मों में काम करना है. आई वॉन्ट ग्रो एज एन एक्टर एंड करियर स्ट्रैटेजी, हाउ मेनी रिलीज इज अयर, यू नो व्हाट, आई लीव दैट. हाईवे पहुँचेगी, आई होप सो, आई होप सो. जो मेरा पहला भाग है फिल्म का, मैंने तो शुरू भी नहीं किया है, तो दैट्स वेरी आई एम वेरी स्केयर्ड अबाउट दैट पार्ट. क्योंकि ये सेकंड हाफ में के मेनन का हाथ है मेरे साथ और वो बहुत ही ज़बरदस्त एक्टर है. सो द काइंड ऑफ ही होल्ड्स द सेकंड हाफ थ्रू, बट फर्स्ट हाफ आई एम प्रीटी मच बाय माई सेल्फ. तो इट्स अ रियल टेस्ट एज एन एक्टर इफ आई कैन काइंड ऑफ होल्ड द ऑडियंस एंड यू नो सस्टेन द फिल्म. द स्क्रिप्ट इज़ वेरी नाइस, द ट्रीटमेंट इज़ वेरी नाइस. और शादाब खान कहता है कि so far this will be your best performance ever. I said okay, let me see. To dekhte hain, I hope so, I really hope so. Uske liye bahut aasan hota hai Bollywood aur bhi achhi badi filmein milna. Apne
यू नो मेरी पहली फिल्म नागेश कुकनूर की फिल्म थी बॉलीवुड कॉलिंग. तो जब मैंने उस फिल्म साइन किया था देयर वाज नो आई वांट टू बी एन एक्ट्रेस. मैंने अमेरिका में ली स्ट्रासबर्ग में यू नो सीखा था एंड मैं आई वांट बैले डांस आई हैव स्टडीड फॉर 12 इयर्स. तो मैंने हमेशा सोचा कि इट्स जस्ट अ हॉबी, इट विल नेवर लैंड अप बीइंग अ फुल टाइम प्रोफेशन. बॉलीवुड कॉलिंग के बाद भी आई बीन वेरी लेड बैक, नॉट इन अ बैड वे, बट यू नो इफ इट कम्स माई वे गुड, इफ इट डजन गुड. और मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आई एम नॉट अ कन्वेंशनली लुकिंग बॉलीवुड एक्ट्रेस. तो आई डिडंट इवन हैव दोज एस्पिरेशंस और ड्रीम्स. लेकिन जॉगर्स पार्क के बाद देयर इज होल बॉलीवुड कीड़ा कि मुझे करना है, लेकिन मुझे करना है तो अच्छे फिल्मों में काम करना है, अच्छे रोल्स करने हैं. आई डोंट वॉन्ट टू जस्ट डू समथिंग वेयर आई एम नॉट इम्पॉर्टेंट और यू नो just for the sake of being pretty and being glamorous. I don't want to do that. So bahut mushkil hai, and if you don't have the right backing and you don't have, you know, it's very difficult to break in. Lekin hopefully kuch acha ho jayega soon enough. Iske baad main ek bahut hi cute romantic comedy kar rahi hu, Moonlight. Unka jo character hai, I think if Jenny of Joggers Park was so famous, Radhika is going to be phenomenal. She's absolutely mad. बिल्कुल पागल लड़की है, struggling actress, manager उसका like मर गया है. She's depressed, she's down and out. वो tarot card reader के पास जाती है और पूछती है when will my life change? And she says, you know what? Your good time started now. You're gonna meet someone who's gonna change your life. And your lucky color is blue. वो audition पर जाती है एंड she's the sweet man is so nice to you, जो director था. And he's wearing blue. And uske man mein is that this is it. He's the man who's going to make me a star. So the whole film is how she traps him. It's one evening and convinces him that, you know what? I am the woman you need to marry. And I am the one who has everything it is you need to be a superstar. So bahut hi intelligent. And but it's fun and it's romantic and it's cute. And wo Meg Ryan, Julia Roberts, wo mold... का कैरेक्टर है. आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट दैट. और ये फिल्म बहुत ही सीरियस, बहुत ही आई थिंक एग्जॉस्टिंग होगा. टू जंप फ्रॉम दिस इनटू दैट्स गोना बी लॉट्स ऑफ फन. रमन भरद्वाज एक नए डायरेक्टर हैं एंड आई एम यू नो उनके साथ काम कर रही हूँ मैं. शेखर सुमन है वो फिल्म में, तो ही प्लेज द फिल्म मेकर जो जिंदगी में सब कुछ, ही सीन एवरीथिंग इन लाइफ, ही इज काइंड ऑफ यू नो सक्सेस देखा हुआ है, ही इज काइंड ऑफ डिबॉच्ड इन अ सर्टेन वे. और इस लड़की make innocence hai ek, she wants to be where he is but she's so innocent and naive in a certain way. So it's how two people at two ends of life but how each complete the other. It's very sweet, it's really sweet. Moonlight, Raman Bharadwaj direct kar rahe hain and Shekhar Suman ke saath hai. Please pray for me that I do well and all my small films work. I hope they do. Thank you.